2005 में हमने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था, तो उसी 26 नवंबर के बाद में तो 24 नवंबर को लिया था, तो उसी 26 नवंबर को हम लोगों ने 11 से शुरू कर दिया था मध्य निषेध दिवस के रूप में। अब उस बीच में खूब प्रचार प्रसार होता रहा, लेकिन शराबबंदी तो कम नहीं हो रही थी, बढ़ती ही जा रही थी, और उसमें जो नियम और कानून हम बनाए तो सरकार की आमदनी भी बढ़ रही थी। सारा जब जो इधर उधर करते थे तो उसमें हम लोगों ने जो नियंत्रित किया उसके हिसाब से जो अपने नियम बनाए तो काफी होने लगा, और सरकार को तो उसके चलते टैक्स के रूप में 5,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गया था। लेकिन एक बात जो थी जो आप सब लोगों को हम बराबर बता देते हैं कि 2015 में ही एक मीटिंग हो रही थी महिलाओं की और सब लोगों की, और उसमें अपना भाषण दे करके हम वापिस चले गए थे, तभी महिलाओं ने खड़ा होकर के कहा कि आप जो है शराबबंदी लागू कीजिए। तो फिर लौट करके आ करके हमने कह दिया कि अगर अगली बार हम चुनाव जीत जाएंगे तो शराबबंदी लागू करेंगे 15 में। तो 15 में चुनाव हुआ, जीत गए, तो उसके बाद ही हमने फिर शुरू करवा दिया एक एक चीज। और हमारे यहां पर बैठे हुए हैं पाठक जी, के पाठक जी को उसी समय इस विभाग का हमने जिम्मा दिया था, और मुझे खुशी है कि जब उसी समय जब नई फिर सरकार हमारी बनी और उसी समय जब हमने कहा इनको एक एक चीज के लिए ये काम करने लगे, और उसी समय से बहुत बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में अभियान चलाया गया, खास करके और मांग तो महिलाओं की थी, इसलिए जीविका समूह और अन्य महिलाओं का पूरा सब जगह सहयोग हुआ कि पूरा का पूरा अभियान खास करके चलता रहा। और अंत में उसकी सब करते रहे हम लोग, क्योंकि जो अगली बार इसके लिए हम लोग जो लागू करेंगे तो उसके लिए कानून हम लोगों को करना पड़ेगा, और हाउस में तो एक नए साल में तो वही जो हम लोगों ने शुरू कर दिया 2016 में, यानी 1 अप्रैल तो लागू कर दिया। तो उस समय तो हम लोगों ने सब प्रचार किया था, गांव में ही ज्यादा ये किया, तो हमने कहा कि भाई जो भी है देसी शराब सब देहाती इलाकों में बंद हो जाएगा, और शहरी इलाकों में कुछ खास करके जहां पर है वहां पर तो हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है देसी शराब वहां भी बंद है, लेकिन जो बड़े शहर है वहां पर हमने कहा कि अभी विदेशी शराब चल सकता है। हमको लगा कि शहर में प्रचार नहीं किए हैं पूरे तौर पर, लेकिन जब 1 तारीख से ये लागू हुआ, दुकान खुलना शुरू हुआ, तो महिला और पुरुष सब ने आंदोलन शुरू कर दिया, बंद होना चाहिए। तो वही चल रहा था हमारा हाउस, हमने 4 दिन देखा, और 4 तारीख को ही रात में ही बैठक किया, कैबिनेट भी किया, और 5 तारीख को ही कैबिनेट करके हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में भी जिसको हम कहे थे विदेशी शराब की अनुमति कुछ शहरों में दिया था उसको भी बंद कर दिया। यानी 1 तारीख से शुरू हुआ और 5 तारीख से फिर और बचे हुए कुछ शहरों में भी जो विदेशी शराब था उसको भी बंद किया। अब उसके लिए तो पूरे तौर पर चलता रहा, और हम लोग तो 2-3 महीना जगह जगह घूम करके और लोगों की बात सुनते थे कि भाई आप लोग बताइए क्या अनुभव, और कितना बढ़िया बढ़िया महिलाओं ने जगह जगह बताया। और एक जगह तो जहां बोल रहे थे तो वहां महिला ने कहा रहता कि भाई मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर आते थे, बहुत झंझट करते थे, और बच्चे लोगों को और सबको खाने के लिए भी ठीक ढंग से नहीं मिल पाता, पढ़ भी नहीं पाते थे, बुरा हाल था, और आकर के झंझट करते थे। लेकिन जब से शराबबंदी लागू हुआ उन्होंने शराब पीना बंद किया, और अब शाम में दौड़ करके आते हैं तो मुस्कुराते हैं, और बाजार से सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं, और सबको खुशी होती है, और घर का भी काम करते हैं। ये उसी समय हमको सुनने को मिला, और एक एक तरफ से चारों तरफ लोगों ने काम किया, और लगातार वही हमने 16 से ही फिर हम लोगों ने लागू कर दिया कि भाई हम लोग करेंगे 11 से 15 तक तो जो हम लोगों ने किया था नशा मुक्ति दिवस, वही 16 में हमने कहा कि अब ये मद्य निषेध दिवस होगा। और तब से आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर सब जगह जा करके और फिर उसके लिए जो सब कुछ हम लोगों ने आयोजन किया एक एक तरफ पर जा करके, और कितने लोग
बिहार भर के लोग जो आए और कितने लोगों ने इसके पक्ष में समर्थन किया और सब तरह का सर्वे किया गया। लेकिन कुछ तो गड़बड़ होता ही नहीं जी, जब अच्छा काम करिएगा तो ज्यादातर आदमी 90% आदमी तो अच्छा काम की तरफ चला ही जाएगा, लेकिन 10% में कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला रहता है। तो उसी के लिए तो प्रयास करते ही रहना पड़ेगा। अब आपकी तरह तरह की बात करता है, आप देखिए इन लोगों ने पूरा किया है और कितने जगह पकड़ रहे हैं, बाहर से भी आ रहा है उसको भी सीज कर रहे हैं, कितनी बार हर बार मीटिंग करते रहते हैं बराबर कि भाई इसको देखिए और इतना जाके कहां हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये सब तो हो ही रहा। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने कितना ज्यादा सब लोगों को कहा, आप जानते हैं कि ताड़ का पेड़ आप कितने बड़े पैमाने पर और उससे ताड़ी नहीं निकलता है। अब ताड़ी निकलता है जब सूर्योदय होने के बाद होगा तो ताड़ी निकलेगा, लेकिन अगर सूर्योदय के पहले निकालिएगा तो कितना फायदा हो जाएगा, नीरा निकलता है और नीरा इतना स्वादिष्ट होता है, इतना स्वादिष्ट होता है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारक लाभकारक होता। हम तो कितने लोगों के बीच में यह अभियान चला रहे, लेकिन अभी भी कुछ लोग नहीं समझ रहे क्यों डिमांड कर रहे हैं, बिना मतलब की बात है। अरे जब से नीरा बन सकता अभी भी कितने बड़े पैमाने पर नीरा हमने शुरू करवाया था, कितना अच्छा था, बीच में फिर आ गया था ये सब जो समूचा आपका बीच में झंझट आ गया, तो फिर हमने लास्ट ईयर से शुरू करवाया और फिर नीरा का कितना उत्पादन हुआ है और कितना फायदा लोगों को। और आप सोचिए ये सब चीज है, और जब लोग भी शराब से जुड़े हुए थे और वो उसके काम को छोड़ करके दूसरे तरफ किए, तो हम लोगों ने तो 2018 में सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया था, गरीब गुरबे गरीब को बच्चों लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए जिनको कोई चीज से मतलब नहीं था उन लोगों को प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया। और जो शराबबंदी लागू किए थे तो हमने सतत जीविकोपार्जन योजना का भी एक हिस्सा रखा कि कोई भी अगर शराब का काम करते थे उसे छुटकारा लेंगे, उनको मदद किया जाएगा। और उसे कितने लोगों ने लाभ दिया आप समझ लीजिए। और उसी में कहा था कि आप देसी शराब जो है उससे मुक्ति पाएंगे और ताड़ के पेड़ से जो ताड़ की जगह पर आप जब नीरा का उत्पादन करिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। और उसका लाभ लोगों ने लिया 40,893 परिवार के लोगों ने, और सब लोगों के लिए इन सब लोगों को फायदा शुरू हो गया। और जितने लोगों को मदद की जाती है उसमें से बहुत लोगों ने गाय पालन किया, बकरी पालन किया, मुर्गी पालन किया, शहद उत्पादन किया, छोटे व्यवसाय किया और दुकान को दुकान और कृषि के कार्य में काम किया। तो भाई ये सब जो किया जा रहा है तो लोग तो फायदा ले रहे हैं। तो अभी तो हमने कहा है भाई, पिछली बार हमने कह दिया था कि अगर इसमें होगा तो सतत जीविकोपार्जन योजना का और एक्सपेंशन किया कि अगर कोई ताड़ के पेड़ से ताड़ी को छोड़ करके अगर नीरा पर लगेगा तो उसको हम लोग देंगे कि और काम करने के लिए आपको 1,00,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से ताकि ये काम करिए। अब जरा बोलिए, सरकार इतना मदद दे रही है आप तब भी कुछ लोग क्या कर रहा है, जगह जगह लोग अपना कर रहा है, क्या मतलब है आपको? अगर आप जान रहे हैं कि ताली में फायदे की चीज है, शराब से जुड़ा हुआ चीज है और नीरा कितना लाभ देने वाला चीज है लोगों को, और अब नीरा कितना लोग पीते हैं, टहलते जाते हैं लोग करते हैं और कितना अच्छा होगा उसे उसका काम, तो नीरा का वो काम है। और आप लोग उस काम को छोड़ करके या कोई भी लोग शराब से जुड़े हुए उसके लिए हम लोगों ने किया है कि भाई पकड़ाते हैं, गिरफ्तारी होती है, बहुत लोग परेशान होते हैं। तो हमने किन लोगों को कहा कि असली जो धंधा करता है भीतर में असली उसी को खोल करके पकड़िए और बाकी को अपने बाहर नहीं निकलता है, गरीब गुरबा तबके के लोगों को अपना काम लगा देता है, तो पैसा देता है, तो
तो वैसे सब लोगों को आप छोड़ लीजिए जो गड़बड़ी करता उसको पकड़ करके जेल में भेजिए, और वो ऐसे लोग जुड़े हुए उन सब लोगों को प्रेरित करिए, कहिए कि भाई हम आपको मदद कर रहे हैं, किसी भी परिवार को 1,00,000 रुपए तक का मदद करेंगे, आप कोई दूसरा काम शुरू करिए। अब कोई दूसरा काम शुरू करेगा तो कितना बढ़िया होगा, तो आप जो हम लोग कह रहे हैं जो नया मौत बनाने जा रहे हैं, अब इस कानून में हम और जोड़ने जा रहे हैं जीव सतत जीव को पालन योजना, अब सतत जीव को पालन योजना में अब कोई भी इस काम को करेगा शराब के साथ पूरे का नहीं, बाहर रहेगा गरीब गुरबा सबका, उनको सरकार देगी 1,00,000 रुपया, दूसरा कोई काम करना शुरू करेगा। अभी कई चीजों का नाम बता दें, गाय पालन बकरी पालन कोई भी काम आप कर सकते हैं, किसी भी तरह का व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें आपको पैसा मिलेगा, लोग कितना लाभ ले रहा आप समझ लीजिए। जो हमने कहा सतत जीव को पालन योजना, 1,47,000 परिवार ने सतत जीव को पालन योजना का लाभ लिया, अगर इसी तरह से करिएगा हमको 1,00,000 बना कर रहे हैं, 87,000 था अब हम 1,00,000 रुपया कर दिए, अगर इतने जो आप इससे मुक्ति पाइएगा तो कितना आगे काम करिएगा, और भी आगे देखेंगे कि और ज्यादा लोगों को सहयोग की जरूरत है वो करिए। दारू कितना खराब चीज है भाई, शराब के बारे में जो बताया गया आपको भी दिखाया गया, आप सब लोगों को एक एक परिवार में जो भेज रहे हैं कि समाज सुधार अभियान जो हम चलाए रहे इस बार, हम तो चाहेंगे कि भाई हम तो बोले थे समाज सुधार अभियान निरंतर जारी रखिए, अब इसमें तो हम लोग नशा मुक्ति दहेज प्रथा उन्मूलन बाल विवाह सबके लिए लगातार हम लोग करते हैं कि चलाते रहिए, इस काम को